ओह क्लाइंट की कॉल, ओह शिट, मुझे भागना है अभी। हेलो, 5 मिनट में इंशाल्लाह मैं पहुंच जाऊंगा। आ गया। ओह शिट यार, कभी कभी लीड्स को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली जो बड़ा क्लाइंट होता है और उसको टाइम ना दिया जाए तो लग जाती है भाई। उसके पहुंचने से पहले पहुंचना, होपफुली उससे पहले पहुंच जाऊंगा। हाँ सर, सॉरी, पहुंच गया, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। अगर तू आप एरिया में नहीं रखते तो मैं बता दूँ, ये लाहौर की भाई कम्यूनिटी है जहाँ पर लाइट नहीं जाती। इस घर का कारपोर्च है, यहाँ पर आप इजीली कोई 3-4-5 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आप एक कनाल का घर ले रहे हैं, 2-4 गाड़ियों को आपकी होंगी जो आप यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। तो आप आएँ, मैं आपको इसका छोटा सा लॉन दिखाता हूँ जहाँ पे आपने अपनी फैमिली के साथ बैठना भी, अपने दोस्तों के साथ भी बैठना है। ये इस घर की एंट्रेंस है, वॉकवे। ये घर बेसिकली विद बेसमेंट है, बेसमेंट में आपको इस घर का पूल भी मिलता है। सर आएँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से इस घर में डाइनिंग एरिया को एंजॉय कर सकते हैं। ये हमारे घर का वाइल्ड डाइनिंग एरिया, जो कि आप अपने 10-12-15 दोस्तों के साथ मिलके खाने का अरेंजमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन, जब आप अपने खाने के टेबल पे बैठ के अपने दोस्तों के साथ खाने के टेबल को होस्ट कर रहे होंगे, कनाल के घर जिसका 8800 कवर्ड एरिया है, जहाँ पे आपको फर्नीचर मिलता है सॉलिड वुड का। अच्छा, ये जो डाइनिंग एरिया है ये कनेक्ट करता है आपके घर के किचन की तरफ। ओके, आए ना, ये आपके घर का किचन, ये वेट किचन है, यहाँ पे आप कुकिंग करेंगे। अगर तो सर आपको खाना बनाना आता है मेरी तरह, मैं बना लेता हूँ थोड़ा सा ऑमलेट और अटम पटम चीज़ों के अलावा। हमें सर इस घर में कैबिनेट मिलते हैं, हीटर मिलता है, आपको ओवन मिलता है, यहाँ पे आपको सिंक मिलता है, डर्टी किचन, डबल डोर की फ्रिज मिलती है जहाँ पे आप फ्रेश फ्रूट रखेंगे खाने के लिए। उसके बाद ओवन मिलता है, माइक्रोवेव मिलता है और कैबिनेट मिलता है। सो क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? मेरा ख्याल है कि आपको अभी ये घर बुक करवा देना चाहिए। ये आपके घर का लिविंग एरिया, यहाँ पे कोई भी गैदरिंग को पॉसिबल बना सकते हैं। आपस की कोई गैदरिंग हो या फिर दोस्तों की गैदरिंग हो, आप यहाँ पे बैठ के उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सर ये इसके जो 2 बेडरूम हैं वो तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपका जो ड्राइंग रूम है वो अभी हम देखने चलेंगे। लेकिन अभी गर्मी नहीं है, मैं इतनी हसल में आया हूँ कि ग्लासेस उतारने भूल गया हूँ, क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी थी आपसे मिलने की और आपको ये घर विजिट करवाने की, इतना लविश किस्म का जो घर बना हुआ है उसको, कि मैं भूल गया अपने ग्लासेस उतारना। सो ये इस घर की लॉबी है, इस लॉबी से आप राइट पे आपको डाइनिंग एरिया और लेफ्ट पे आपको ड्राइंग रूम मिलता है, और ड्राइंग रूम एक बड़ा लाइट कलर का, एक बड़ा मज़ेदार किस्म का डिज़ाइन हुआ है। इसका जो आप फ्लोरिंग देख सकते हैं, इसकी जो कर्टन देख सकते हैं पीछे नेट के कर्टन है, इसके अलावा इसके जो वेलवेट के या फिर अच्छे अच्छे कपड़े से बने हुए ये जो सोफ़ाज हैं वो आपको एक रॉयल फील देते हैं आपके घर की, कि आप जब बैठे होंगे, जैसे ये मेरे कपड़ों से भी मैच हो रहा है, आप आगे बैठे यहाँ पे फील करें हाउ यू विल फील टू बी हेयर। सर अभी ड्राइंग रूम से आप आएँ, मैं आपको ये 2 बेडरूम दिखाता हूँ। ये हमारे घर का मास्टर बेड है जो कि आपने चूज़ किया, मेरा ख्याल है ये कमरा भी आप चूज़ करेंगे। ये आपके मास्टर बेड का एक वो बेडरूम है जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं और बैठ के रात को टीवी देख सकते हैं। अपने जज्बात को संभालने के लिए, अपने आप को फ्रेश करने के लिए बाथरूम में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर उसके लिए आपको बाथरूम मिलेगा, मास्टर बाथरूम। ये इस घर का मास्टर बाथरूम है। जकूजी के साथ आपको एक बड़ा अच्छा डिस्प्ले मिलता है अपनी हैंडसम फेस को देखने के लिए, सिंक और शावर कैबिनेट मिलता है, साथ में आपको वार्डरोब मिलती है, वेंटिलेशन की जगह मिलती है और कम्फर्ट, बैठ के आप सुकून से इंजॉय कर सकते हैं। हाँ
सर सर्दियाँ भी पड़ती हैं ना, उसके लिए फायरप्लेस भी रखी है आपके घर में, और ये आपके घर के बच्चों के लिए एक रूम जो कि इतनी मोटी वुड का बना हुआ दरवाज़ा, कितना भी शॉर्ट कर लेंगे बाहर आवाज़ नहीं आएगी, वल्ला आवाज़ नहीं आएगी। मैं एक्सपेरिमेंट करके देख चुका हूँ और उनके लिए एक बड़ा मज़ेदार किस्म का। ये सर ये भैरिया का सिक्योरिटी सिस्टम है, आपके घर में आने वाली जाने वाली हर चीज़ की इंफॉर्मेशन जो है वो भैरिया के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको मिलती रहेगी। छोटा सा सरप्राइज़ होगा जो कि मेरी हर वीडियो में होता है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको भी सर और व्यूअर्स को भी। सो ये इसका फर्स्ट फ्लोर होगा जिसको हम देखेंगे। ये अभी आप डबल हाइटेड लॉबी से क्रॉस करेंगे जो इस घर की डबल हाइटेड लॉबी है, और फर्स्ट फ्लोर के स्टेयर केस से आप ऊपर जाएंगे। सर जैसे आप स्टेयर केस से एंटर हुए हैं, हमारे पास यहाँ पे एक बेडरूम है हमारे गेस्ट के लिए। लाहौर में बहुत ट्रेंड है कि आपके घर में मेहमान आते हैं, हम लाहौरी वैसे भी बड़े मेहमान नवाज होते हैं, और हमारे घरों में वैसे भी लोग बहुत रहने के लिए आते हैं, और मुझे तो घर के मेहमान वैसे बड़े अच्छे लगते हैं, घर में थोड़ी रौनक शौनक होती है यार, लाहौर लाहौर है ना। यूँ के मेहमानों के लिए गेस्ट रूम जिसमें आपको एक बाथरूम भी मिलता है। अब कोई ऐसी बात भी नहीं है कि आपके घर में मेहमान ज़्यादा आ जाएं और आपके पास एक ही कमरा हो मेहमानों के लिए, ये तो ऑकवर्ड लगता है, इसलिए इस घर में मैंने दो दो कमरे अरेंज किए हैं फॉर गेस्ट। ये आपके गेस्ट के लिए एक फुली लॉडेड काइंड ऑफ मास्टर बेडरूम है। ये इस घर का फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेड नहीं है लेकिन काइंड ऑफ मास्टर बेड है। क्यों मास्टर बेड है? क्योंकि यहाँ पे आपको खूबसूरत टेरेस मिलता है। ये भैरिया का जैस्मीन ब्लॉक है, यहाँ पे आप अगर मेन रोड को भी देखेंगे, ये डबल साइडेड रोड है जहाँ पे मार्केट भी करीब है, इसके ऊपर भी है लिविंग एरिया, मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये लिविंग एरिया आपके फर्स्ट फ्लोर का लिविंग एरिया जो कि सेम उसी तरह से आपको सोफा सेट मिलता है, और यहाँ पे 15 से 20 लोग बैठ सकते हैं। सर अभी घर ख़त्म नहीं हुआ, ये आगे घर का पैशियो। इस घर के पैशियो में आप भाभी के साथ खड़े होके ठंडी हवा के झोंके ले सकते हैं, ताज़ा और कुशादा हवा। तुझे देखा तो ये जाना। नहीं नहीं, ये आप बयान बदल रहे हैं। आपको नीचे वाला बेडरूम पसंद आया था, अब ये बाथरूम के बाद आपको इतनी गोल्डन फील आ रही है, इस वजह से आप अपना बयान ना बदलें। सर मुबारक हो, आपको घर पसंद आ गया। लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले अब मुझे लाइक और सब्सक्राइबर्स तो चाहिए ना। तो इस वीडियो के एंड पे जो सरप्राइज़ था, जो मेन एरिया है, उसको देखने के बाद मेरा ख्याल है कि आप मेरे से दो घर बाय करेंगे, दो पक्की बात है। सो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। गर्मियों के दिन और ठंडा पानी, वो भी स्विमिंग पूल। ये इस घर की बेसमेंट है। ओके सो मैं पानी भरने का वेट कर रहा हूँ, ये पूल में नहाऊंगा लेकिन वीडियो के बाद। फुली बेसमेंट जिसमें आपको पूल के साथ ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इसका अभी हम देखेंगे सिनेमा। बेस पे जितने भी सिनेमाज हैं लाहौर के वो बंद कर दिए गए हैं, और आप थिएटर को एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। पीछे हमारे प्रोजेक्टर लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, कैबिनेट लगे हुए हैं, बूफर्स लगे हुए हैं, साउंड क्लासिक और बेहतरीन किस्म का सिनेमा बना हुआ है। ये वो सिनेमा है जो कि लाहौर में आपको ही नहीं मिलेगा। घर में बैठ बैठ के आप पक जाते हो अपनी बीवी की बातें सुन सुन के, यहाँ बैठ के आप सुकून से मूवी इंजॉय कर सकते हो। ये किनारे का घर आपने देख लिया जिसमें आपको 6 बेडरूम मिलते हैं, 2 ग्राउंड फ्लोर पे, 3 फर्स्ट फ्लोर पे, 1 बेसमेंट में। आपको बिलेट की जगह मिलती है, आपको स्विमिंग पूल मिलता है, आपको मॉस्क मिलती है, आपको 2 स्टोर रूम मिलते हैं, आपको 2 लिविंग एरिया मिलते हैं, आपको 3 किचन मिलते हैं, आपको 7 बाथरूम मिलते हैं, आपको हर घर में हर फैसिलिटी मिलती है जो आपको चाहिए। 6
चार गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह मिलती है, और क्या चाहिए सर। ओके, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर अपडेट ऑन वीडियोज। कोई भी आपकी हम्बल सजेशन हो मुझे दीजिएगा, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। आई एम बिलाल फ्रॉम हम्बल स्मार्ट रियलिटी, आई एम योर रिलेटर। थैंक यू।